वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाइयों मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा प्रीमियर लीग फुटबॉल का BUR वर्सेस CRY के बीच। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है AB ROCKS ड्रीम 11 टीम्स। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ की आप देख सकते हैं। तो ना वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए तो मैं आपको बता दूं, इसलिए फटाफट ग्रुप का नेम देख लो क्योंकि मैंने आपको कुछ दो चार चीज़ें समझानी है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात करूंगा, पहले अभी मैं टीम नहीं दिखाऊंगा, पहले मैंने बात करनी है BUR वर्सेस CRY में से फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी। अब आप कई लोग बोलेंगे भाई BUR, कई लोग बोलेंगे CRY, तो ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो लोग BUR बोल रहे हैं उनकी बात से भी और CRY उनकी बात से भी, क्योंकि दोनों टीम्स अच्छी हैं। लेकिन जो मेरा मानना है 65% मैचेस इन दोनों के बीच में जो 100% मैचेस हुए हैं 65% मैचेस जीती है CRY एंड 35% मैचेस जीती है BUR। इनके बीच में 6 मैच हुए थे लास्ट जिसमें कि 4 मैच 3 मैच में जो जीती थी वो थी CRY, 2 मैच हुए थे दोनों के ड्रॉ एंड एक मैच जीती थी BUR। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि आज का मैच CRY जीत सकती है, बाकी कुछ भी हो सकता है। और चलते हैं आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच की तो इसमें गोलकीपर मैं लेने वाला हूँ एन पॉप को, क्योंकि अगर भाइयों BUR का अगर आप गोलकीपर लेते हैं तो जो मर्जी ओपोनेंट टीम जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना आ जाए तो भाइयों मेरे हिसाब से जीतने के चांस होंगे CRY के, क्योंकि वो शॉर्ट ऑन टारगेट में हीरो हैं, शॉर्ट ऑन टारगेट मार सकते हैं। तो बात करूँ डिफेंडर की तो यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर भाइयों जो कि है C Koyota, जो कि आपको बताना चाहूँगा ये प्लेयर कुछ प्रीवियस मैचेस से फ्लॉप जा रहा है। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों, जब इनका मैच था SOU के साथ खतरनाक टीम उनके सामने ये लॉस गए, मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस, CHE लॉस, उसके बाद जो अगला मैच था भाइयों जो इनका था BHA के साथ उनके सामने ये प्लेयर चला ही नहीं, उसके बाद जो मैच था भाइयों इनका WL के साथ उसमें जब उम्मीद थी हमें कि जीतेंगे तब ये फिर भी नहीं चला। तो मतलब देखा जाए तो बंदा मतलब कैसे भरोसा करेगा, सही बात मैं भी आपकी मानता हूँ। अब मुझे भी अंदर से CRY का डर लग रहा है, भले ही मैं कहता हूँ भले ही अगर सारे मैच भी जीती हो लेकिन फॉर्म में ही नहीं है यार प्लेयर, मजबूरी में लेना पड़ेगा। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर भाइयों जिसका नाम है जेम्स के अंदर आपको ये खासियत मिलती है जितनी मर्जी ओपोनेंट टीम स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी टीम ना हो, साउथहैम्पटन हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, जो मर्जी टीम हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस बंदे ने आपको 30 से 40 पॉइंट देकर जाने ही जाने हैं भले इनकी टीम हारे या जीते या क्लीन शीट मिले या ना मिले। और आगे से बात करूँ ये है जे वार्ड। अब मैंने CRY का अगर आप CRY के साथ जाना चाहते हैं देन आप वार्ड को चुने, अगर आपको सेफ जाना है देन बेस्ट है C Taylor, क्योंकि C Taylor आपको क्या देगा यहाँ पे, अगर C Taylor अगर बाई चांस अगर इनकी टीम जीती है तो 20 पॉइंट तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही जो कि क्लीन शीट के होंगे, और जो अंदर 90 मिनट खेलेगा उसमें क्या करता है, गोल करता है, असिस्ट करता है, कुछ भी नहीं करता वो आपको पता चलेगा। तो अगर आपको सेफ जाने देना आप टेलर के साथ जाओ, मैं भी सेफ ही जा रहा हूँ। बात करूँ मिडफील्डर की तो यहाँ से लूँगा ए वेस्टवुड के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यही एक अपना इकलौता टीम का अच्छा खतरनाक प्लेयर है जिसपे कि आप भरोसा कर सकते हो BUR के पक्ष में, क्योंकि BUR भी जीत तो सकती है, भले ही CRY जीतते आ रही है कोई बड़ी बात नहीं कि BUR भी जीत जाए। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर भाइयों जो कि आप देख सकते हैं एंड्रोस ने प्रीवियस जो मैच हुआ था 31 अक्टूबर को WL के आगे, इसने उसमें विदाउट गोल विदाउट असिस्ट और विदाउट मतलब इसने बस 2 शॉट ऑन टारगेट मारे थे जिसमें कि इसको 52 पॉइंट का ये मालिक था। आगे से बात करूँ डी मैकनील की तो ये तो हर बार मेरी टीम में रहता है, चले या ना चले, इसका चलना ना चलना डिपेंड करता है भाई इसकी प्लेइंग पे, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अगर ये खेला ना JAYOV तो मैं इसके साथ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने मैकनील चुना है, इतना अच्छा तो नहीं है, मजबूरी में ले रहा हूँ। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर्स का नाम है जेफ़्री की जगह आप चाहो तो नीचे से अच्छे अच्छे प्लेयर ट्राई कर सकते हो, लेकिन आज क्यों नहीं ट्राई कर रहा क्योंकि मैं करता JM McArthur को ट्राई, ये प्रीवियस मैचेस से खेल नहीं रहा, अगर ये आज के मैच में दिखता है तो ये मेरी टीम में 100% शॉर्टी के साथ रहने वाला है, बाकी और कोई इतना मुझे खास लगा नहीं तो मैंने सोचा यार इसी को लेना पड़ेगा। और आगे से बात करूँ जे ब्राउन हिल के साथ तो मैं खुद जा रहा हूँ क्योंकि BUR का टॉप का प्लेयर है ये। बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो यहाँ से लूँगा W Zaha दिखाता है कि मैं CRY का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, और पता भी चलता है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम के आगे इस प्लेयर ने 2 गोल कर दिए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस टीम के आगे लोग मतलब घबरा जाते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत बड़ी टीम है, तो उसके सामने इस टीम ने अच्छा खेला था, तो उस बात से मुझे लगा कि भाई आज के मैच में भी कुछ कर सकता है। सीवुड की बात करूँ तो सीवुड के भी आज चलने के चांस है, जो बंदा प्रीवियस 6-5 मैचेस से हर टीम के आगे फ्लॉप जा रहा है आज वो कुछ हमें अलग दिख सकता है। और आगे से बात करूँ कैप्टन ज़हा वाइस कैप्टन वेस्टवुड, अभी आप बोलोगे भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है दोनों टीम्स का, तो भाई दोनों टीम्स का ही कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि एक टीम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बराबर के मैचेस हैं, इन्होंने जीत रखे हैं, तो इनके ऊपर मैं कोई ज़्यादा रिसर्च अगर आप कर भी लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, एंड में आके आपको टीम जो बनानी पड़ेगी वो होगी एक ही साइड की जो कि BUR। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।